लो सुनो, लियो टॉलस्टॉय दी लिखी कहानी बुराई दा भरम ते नेकी दा जलवा। इस कहानी दा पंजाबी अनुवाद चरण गिल ने कीता है। पुराने समय विच एक नेक दिल इंसान रहिंदा सी। खुदा ने उसनू दुनिया दियां सारियां नेमतां नाल नवाजिया सी। उसदे बहुत सारे गुलाम सन जो दिलों उसकी सेवा करया करदे सन। गुलामां नू अपने मालक ते फखर सी ते अक्सर आपस विच बैठ के अपने मालक दे गुण गाया करदे सन। इस धरती ते साडे वर्गा मालक होर किसे गुलाम नू नसीब नहीं होया। वह सानू खाण लई वधिया भोजन दिंदा है ते साथों साडी शक्ति मुताबक ही काम लैंदा है। कदे साडे नाल कुरखत जबान विच गल नहीं करदा। दूजे मालकां दे उल्ट जो अपने गुलामां नाल जानवरां तों वी भैड़ा सलूक करदे ने उन्हां नू सख्त सजावां दिंदे ने जिन्हां दे उह हकदार वी नहीं हुंदे। साडा मालक साढ़े नाल दोस्तां वर्गा ते नरम सलूक करदा है। गुलामां ते उन्हां दे मालक विच इस मुहब्बत ते परपन नूं वेख के शैतान गुस्से नाल सड़ के कूला हो गया। उसने अलब नाम दे गुलाम नूं अपने जाल विच फसा के उस नूं हुक्म दिता कि दूजे गुलामां नूं मालक दे खिलाफ भड़का। एक दिन जदों सारे गुलाम बैठे अपने मालक दीआं अच्छाइयां ते गुण गा रहे सन तां अलब ने अपनी आवाज़ बुलंद करदे हुए कहा, ये सरासर हमाकत है कि असीं अपने मालक दीआं अच्छाइयां नूं इन्ना वधा चढ़ा के बयान कर रहे हां। जेकर असीं शैतान दी भी इन्नी सेवा करिए तां उह वी साडे ते दयालू हो जावे। असीं अपने मालक दी बहुत सेवा करदे हां, अपने काम नाल उहनां नूं खुश करन दी हर संभव कोशिश करदे हां, उहनां दे हुक्म देण तों पहलां पालना करदे हां। अजिही स्थिति विच उह साडे ते दयालू होण दे इलावा कर वी की सकदे ने। उन्हां दी चंगियाई दा तां तद पता चले जेकर असीं उन्हां नूं खुश करन दी बजाय नुकसान पहुँचाईए। फिर देखांगे कि उह किहो जिहा सलूक करदे साडे नाल। यकीनन साडा मालक वी दूजे बदतरीन मालकां दी तरह साडी गलती दा जवाब सज़ा नाल देवेगा। दूजे गुलामां ने अलब दी गल सुण के उसका खंडन किया। वह ये मनण लई तैयार ही नहीं सन कि उन्हां दा मालक उन्हां दे नाल कोई जालिमाना व्यवहार वी कर सकदा है। आखिरकार उन्होंने अलब दे नाल इह शर्त लगाई कि वह मालक नूं गुस्सा चढ़ाए ते जेकर वह अजिहा करन विच नाकाम हो गया तां अपनी छुट्टी वाले दिन की पोशाक तो हथ धो बैठेगा ते जेकर अजिहा करन विच कामयाब हो गया तां बाकी सारे गुलाम उसनूं अपनी छुट्टी वाले दिन की पोशाक दे देणगे। जेकर सज़ा दे तौर ते उसनूं कैद किया जां फिर बेड़ियां दे नाल बन्निया गया तां वह मालक दे सामने अलब दा पक्ष वी पूरनगे। शर्त मुताबिक अलब अगली सवेर मालक नूं गुस्सा चढ़ाउण ते राजी हो गया। अलब एक गडरिया सी। अपने मालक दीआं कीमती अते दुर्लभ नसल दीआं भेड्डां दीआं देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी सी। वह चंगी तरह जानदा सी कि उसका मालक इन्हां भेड्डां नूं किन्ने प्यार नाल रखदा है। अगली सवेर मालक अपने कुछ मेहमानों नूं अलब कोल लै आया तां कि वह मेहमानों नूं अपनियां भेड्डां दिखा सके। अलब ने अपने साथी गुलामां नूं अख मारदे हुए इशारे नाल दस्या कि वेखो हुण मैं किवें मालक नूं गुस्सा दवांदा हाँ। दूजे गुलाम यह देखते हुए दरवाजे अते जंगले दे इर्द गिर्द जमा हो गए। शैतान भी नेड़ले दरख्त ते चढ़ के अपने चेले की कारकरदगी का जायजा लैन लगा। मालक ने अपने मेहमानों के नाल भेड़ा के वाड़े विच जाके उन्होंने भेड़ा ते मेमने विखाए ते इस वेले वह उन्होंने अपना सब तो वधिया भेडू दिखाउणा चाहुंदा सी। सारे भेडू बड़े ही कीमती ने उसने कहा, पर मेरे कोल एक जुड़वे कुंडे सिंगा वाला भेडू है जिसका कोई मुल ही नहीं। मैं उन्हें अपनी अख का तारा समझदा हाँ। अजनबी लोगों नूं वेख के भेडा कोठे के अंदर चलिया गई। मेहमान उस नायाब भेडू नूं नहीं देख सके। जिवें ही भेडा टिके खड़िया हुई तो अलब ने फिर अचानक उन्होंने अजिहे तरीके डराया कि यह गलती नाल हो गया लगे। सारियां भेडां एक दूजे नाल रलगड हो गई। मालक इस झमेले तो अक गया ते अलब नूं आवाज़ देंदे हुए कहा, अलब मेरे प्यारे दोस्त तू वह जुड़वे कुंडे सिंगा वाला भेडू फड़ के इत्थे ले आ। उन्हूं आराम नाल फड़ी ते कुछ समा फड़ के रखी ता कि मेहमान चंगी तरह उसनूं वेख सकन। हाले मालक ने यह कहा ही सी कि अलब भेडां दे इजड़ विच शेर की तरह कुद पिया। उसने अपने मालक दे पसंदीदा भेडू नूं दबोच लिया ते धू लिया।
अपने मालक दियां अखां दे सामने उसने अपने एक हथ नाल भेडू नूं वालां तों कस के फड़ लिया ते दूजे हथ नाल उसदी पिछली खब्बी लत्त नूं फड़ के इस तरह चुकिया ते झटका दिता कि यह जड़क देने सुक्की टाणी दे वांग टुट गई। भेडू गोड्यां पर ने डिग पिया ते पीड़ नाल ममियाउण लगा। इस दे बाद अलब ने भेडू नूं पिछली सज्जी लत्त तों फड़ लिया ते खब्बी लत्त हवा विच लमकण लगी। निराश मेहमान ते गुलाम दुख अते हैरत नाल इह सब वेख रहे सन। उधर दरख्त दे टाणे ते बैठा शैतान अलब नूं चलाकी नाल अपना काम करदे होए वेख खुश हो रहा सी। मालक दे चेहरे ते बदला वांग स्याही छाई हुई सी। उसदे मत्थे ते तिउड़ियां उगड़ आईयां ते उसने अपना सिर नीवा कर लिया ते एक शब्द भी मूहों ना कढ़िया। मेहमान ते गुलाम भी साह रोकी खड़े सन कि हुण अगे की होएगा। कुछ पलों की खामोशी के बाद मालक ने अपने शरीर को इउं झंझोड़िया जिवें किसी भारी चीज़ तो छुटकारा पा रहा होवे। फिर उसने अपना सिर उपर चक्या अखा उपर वल टका के कुछ पल हिल खड़ा रहा। उस दियां तिउड़ियां लोप हो गई। मुस्कुरा के हेठा अलब वल देखते हुए उसने कहा, ए अलब, तेरे आका ने तेनों हुक्म दिता है कि तू मैनू गुस्सा चढ़ावे, पर मेरा आका तेरे आका नालों ज़्यादा ताकतवर है। मैनू तेरे ते गुस्सा नहीं चढ़िया, पर मैं तेरे आका नू मेरे ते गुस्सा जरूर चढ़ा देंगा। तू डरदा होएगा कि मैं तेनों सज़ा देवांगा ते तेरी ख्वाहिश है कि मैं तेनों आज़ाद कर देवां। तां जान लै अलब कि मैं तेनों सज़ा नहीं देऊंगा। इत्थे इसी वक्त अपने मेहमानों के सामने मैं तेनों आज़ाद करदा हाँ। जा, जिथे जाना चाहना है चला जा, अपने छुट्टी वाले दिन की पोशाक भी अपने नाल लै जा। ये कहिंदे हुए अलब दा दयालु मालक अपने मेहमाना समेत घर चला गया। पर दूर दरख्त दे टाणे उत्ते बैठा शैतान गुस्से नाल अपने दंद पींदा हेठां डिग पिया ते जमीन विच गर्क हो गया।